अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नियाम मुल्लानी। जमीन से आसमान की तरह परवाज करता हूँ, जमीन से आसमान की तरह परवाज करता हूँ। खुदा का नाम लेकर मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, और सीतुन नबी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा नमूना है। कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे से उसकी मदह किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को महबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 124,000 नबी भेजे, और ये सिलसिला नबूवत हजरत आदम अलैहि सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आखिरी नबी है। अब कयामत तक के लिए इनकी जिंदगी ही हमारे लिए रहनुमाई हासिल करने का एक वाही दरिया है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले हो गए, मुरादों गरीबों के बदल लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम जिंदगी के रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। खर्रा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पर किरणों से था जल छाया, पलर दी एक छान में इसकी काया। शुक्रिया।